हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम एमडीए एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने एमडीए एप्लीकेशन कैसे आप बना सकते हैं, कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और मेन्यूस्क्रिप्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमने सीखा था। तो आज मैं पहले आपको हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो हमने सबसे पहले शुरू किया था जिसका नाम था VB001 और इसमें मैंने बहुत सारे फॉर्म्स बनाए थे, इन सभी का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने एमडीए एप्लीकेशन में ये आज के प्रोजेक्ट में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इससे हमारी मेहनत जो है वो बच भी जाएगी। तो मैं इसमें एक नया फॉर्म ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा MDI और इसे हम एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और हमने यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ MDI टूल्स, तो जितने भी हमारे पुराने प्रोग्राम्स हैं इसे हम अपने एमडीए एप्लीकेशन के अंतर्गत कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो हम सभी को पता है कि एमडीए एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको इसे इसकी जो इस कंटेनर प्रॉपर्टी होती है इसे ट्रू करना होता है सबसे पहले। तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं, इस MDI कंटेनर में जाके आप ट्रू कर दीजिए तो ये आपका जो फॉर्म है इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं इसमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल लेके आऊँगा। मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक मेन्यू बनाएंगे जिसका नाम रहेगा टूल्स। टूल्स बनाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सा टूल्स अवेल कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर देना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेटर। अब आपने यदि मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर है यहाँ पे मुझे केवल लिखना इतना है, हमने फॉर्म कैलकुलेटर नाम का एक प्रोग्राम बनाया था। तो ये जो फॉर्म कैलकुलेटर है इसकी साइज़ को हम एज इट इज़ रहने देंगे, बट इसका जो नाम है हम देख लेते हैं, इसका नाम है फॉर्म कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था वही तरीका हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म कैलकुलेटर डॉट शो दैट्स ऑल। तो देखेंगे आप यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ पे जाके MDI फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे नए फॉर्म का नाम है MDI टूल्स। इसे रन करते हैं, रन करने के बाद आप यहाँ से चुनेंगे कैलकुलेटर। तो आप देखेंगे ये कैलकुलेटर आ तो रहा है बट ये आउटसाइड ऑफ द विंडो है। यदि आप इसे इनसाइड करना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको तरीका बताया था कि इसे आपको क्या देना पड़ेगा, कि इसे बताना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म का चाइल्ड है। तो वो कैसे करते हैं आपको पता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो आप एक्चुअली में एक MDI एप्लीकेशन के द्वारा एक कैलकुलेटर को ओपन कर सक रहे हैं, ये इसका बेनिफिट है। तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा कैलकुलेटर ना खोल सकें इसलिए ये तरीका ज़्यादा सही है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें जो आपने खुद बनाया है और आप इस तरीके से यहाँ कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ध्यान दें कि जैसे ही आपका MDI एप्लीकेशन बंद होगा तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है स्टॉप नहीं होगा, सॉरी आपका प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है वो किसके बेसिस पे रन हो रहा है, इस MDI फॉर्म के द्वारा। तो कैलकुलेटर आपका डिपेंडेंट है इस MDI फॉर्म के अंतर्गत, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भले ही वो इसके अंदर दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो। तो आप इसे बंद करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, इवन ये जो फॉर्म है आपका ये आपके प्रोजेक्ट के साथ में ऐड नहीं होगा। यदि आप इस फॉर्म के साथ में इसे ऐड करना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे ऐड करते हैं। तो इसी के साथ हम ये जो बात है उसके आगे बढ़ाते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट कंट्रोल कितना लाभदायक हो सकता है। तो आज के प्रोजेक्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसी के साथ साथ यदि आप इसी तरीके का कोई फॉर्म और कोई टूल बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर तो हमने बना लिया, अब मैं अगला एक टूल बनाना चाहता हूँ नोटपैड नाम का। तो नोटपैड बहुत ही कॉमन चीज़ होती है तो आप यहाँ पे नोटपैड भी बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्म ऐड कर देते हैं विंडोज़ फॉर्म और इसका नाम हम रख देते हैं नोटपैड। और नोटपैड में हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में उतने सारे फीचर्स नहीं होते। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो ये रिच टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम ही रिच टेक्स्ट बॉक्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये टेक्स्ट बॉक्स से काफ़ी रिच है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डिफरेंट हैं और इसके द्वारा आप नोट पैड के कट कॉपी पेस्ट से लेके सारे ऑप्शंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट पैड की तरह आप इस फॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में बताऊँगा। ये दो लेक्चर का पार्ट बनने वाला है 2.0 और 3.0। तो सबसे पहले हम धीरे से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस नोटपैड फॉर्म को हम अपने MDI एप्लीकेशन में लाएंगे कैसे। तो आपको केवल इतना ही लिखना है नोटपैड में डबल क्लिक करके, आपके नए फॉर्म का नाम है नोटपैड तो आप यहाँ पे लिख देंगे नोटपैड डॉट शो। आप चाहें तो इसे MDI फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऐड नहीं करने वाला, मैं केवल इसे क्या करूँगा इस्तेमाल करने वाला हूँ इंडिविजुअली। तो आप देखेंगे यहाँ पे
ये आप नोट पैड स्टार्ट करेंगे तो आपका नोट पैड सेपरेटली खुल जाएगा। अब आपने देखा होगा जो हमारा नॉर्मल नोट पैड होता है, इसके फॉर्म के साइज़ के हिसाब से ये जो आपका बॉक्स दिखाई रहा है, टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फॉर्म होता है। मतलब फॉर्म की साइज़ के हिसाब से ही टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ होती है। मतलब आप जितना भी टाइप करेंगे ये आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, रिच टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी साइज़ केवल यहाँ तक आ रही है और फॉर्म को बड़ा या छोटा करने से ये चेंज नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको केवल इतना ही बताऊँगा कि आप इस साइज़ को कैसे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको करना केवल इतना है कि आपका जो नोटपैड का फॉर्म है, इसके फॉर्म के आपको इवेंट्स में जाना है। यहाँ पे इसका एक इवेंट होता है खास, रिसाइज इवेंट। इसका मतलब ये है कि फॉर्म को जब हम रिसाइज करते हैं, या फॉर्म जब भी रिसाइज होता है, जब फॉर्म चालू हो जाता है, तब हमें करना क्या है, रिच टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास में है, रिच टेक्स्ट बॉक्स की जो हाइट है, इसकी हाइट जो है वो बराबर हो जाएगी मी डॉट हाइट के। मतलब जो भी फॉर्म में ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है उसकी हाइट के बराबर में हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी जो विड्थ होगी इज इक्वल टू मी डॉट विड्थ आप दे देंगे। तो बस केवल ये दो लाइन लिखने से क्या हो जाएगा, आपकी जो रिच टेक्स्ट बॉक्स की हाइट और विड्थ है ये अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्म, मतलब जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप यहाँ पे ये बदलते जाएगा। तो अब आप फॉर्म को जितना बड़ा करेंगे उस हिसाब से ही इसका साइज होते जाएगा। तो एक छोटा सा माइनर यहाँ पे चेंजेस और करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है। तो आप केवल इतना कर लें कि जो आपका नोट पैड का फॉर्म है, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप पूरी तरीके से बिल्कुल 0-0 पे सेट कर दें। आप 0-0 यहाँ से देख सकते हैं चाहें तो, और यदि आप इसके साइज़ से करें तो ज़्यादा बेहतर है। साइज़ में जो सॉरी इसका जो पोजिशन होता है, लोकेशन होता है, वहाँ से आप टॉप को और लेफ्ट को सेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसे मैनुअली करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप देख लें, आपको स्टेटस बार में इसकी साइज़ लोकेशन दिखाई दे रही होगी, तो आप इसे 0-0 जो है एरो की सहायता से भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए एरो की सहायता से मैं कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया। तो जब आप इसे रन करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका नोट पैड का जो फॉर्म है सिमिलर टू आपका जो विंडोज़ का नोट पैड होता है बिल्कुल वैसा दिख रहा है। इसमें अंतर केवल इतना है कि अभी इसमें स्क्रॉल बार नहीं है, अभी इसमें मेन्यूज़ नहीं है। तो मेन्यूज़ हमको बनाना आता है, और इसमें मैक्सिमम जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं हम उन सारे ऑप्शंस को इस नोटपैड में बनाना आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने केवल इतना सीखा कि MDI एप्लीकेशंस पे आप अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म को कैसे ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप केवल MDI फॉर्म के अंदर नहीं, MDI फॉर्म के बाहर भी कैसे अपने डिपेंडेंट फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिपेंडेंट होता है आपके MDI एप्लीकेशन पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, साथ ही साथ मैं नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखेंगे आप यहाँ पे दोनों चीज़ें ओपन हो गई हैं, आपको कैलकुलेटर नोटपैड दोनों दिखाई दे रहा है, और सिर्फ एक MDI एप्लीकेशन को यदि आप बंद कर दें तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको मिली आज के लेक्चर में। पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिच टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।